हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी वन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर्स का डे 7। देखिए, ये जो सीरीज़ है डेली बेसिस पे चल रहा है। जो लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस हैं, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसके जितने भी पार्ट पहले भी कराए गए उनको आप ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स जहाँ तक एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, जितने भी पार्ट मैं आपको कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। तो बस आप रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रही हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए और हो सके तो पीडीएफ से आप याद रखने की कोशिश करिए, पीडीएफ को रिवाइज करते रहिए। राइट, यहाँ पे हमको रिविजन्स के लिए हम एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं आप मास्टर वीडियो भी लाऊंगा ताकि आप एक बार अच्छे से रिविजन्स करते रहें। तो कुल मिलाकर हम बिहार करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो बस आपको अपना 100% देना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस जो इस बार वैकेंसी आई हुई है 21,400 के समथिंग, उसको आप किसी तरह से क्रैक करेंगे, मुझे यकीन है। लेकिन उसके लिए आपको सही तरीके से अपना प्रिपरेशन करना है। लेकिन वो अलग बात है कि जो आपके माइंड में निगेटिव थाट है बिहार पुलिस को लेकर के, वो आप निकाल करके जो जेन्यून स्टूडेंट है उनको मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि आपने इससे पहले वाला जो प्रीवियस अभी जस्ट पेपर हुआ था मद निषेध वाला, उसमें आपने देखा था कि कितने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे और जो लोग जेन्यून तरीके से अपना मतलब पेपर देकर के आए थे उनका रिजल्ट हुआ है। तो अब आपको ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने स्टडी पर, और स्टडी पर फोकस इस तरह से करना है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो उसी के बीच में किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बिहार पुलिस बल सिपाही भर्ती परीक्षा करके एक प्रैक्टिस वर्कबुक आया हुआ है, व्याख्या उत्तर सही, जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया। इस बुक में आपको 2022 के जो हल प्रश्न पत्र थे, यानी पिछले साल का जो पेपर है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया ताकि आप अपना पैटर्न देख पाएंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। और कुल मिलाकर बात करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज करके प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप अपने नज़दीक मार्केट में जाकर के ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसमें सारी चीज़ों को कवर किया, आपके जो सिलेबस है उन सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया, प्रॉपर तरीके से एक प्रैक्टिस बुक बनाया गया। तो आप एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहु जो आयामी सूचकांक, गरीबी सूचकांक होते हैं, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो किस राज्य में देखने को मिली है, और ये रिपोर्ट 2023 में ही आई हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिला है। कुल आबादी का 33.76% जो आबादी है वो गरीबी के रूप में यहाँ पे देखने को मिला हुआ है, और जो कि सभी राज्यों की तुलना में बिहार सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ पे दिखाया गया। अगला है कि 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा, तो ये बिहार में ही किया जाने वाला है, तो ये याद रखना है, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में। बिहार में पहला बैडमिंटन अकादमी जो कि कहाँ पर खुला है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खुला है, खुलेगा तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर, भागलपुर से पहले, यानी भागलपुर में हमने इसे पहले वाली वीडियो में दो तीन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, बागवानी महोत्सव मनाया गया था हाल ही में भागलपुर में, विल्ट रोग का प्रकोप भागलपुर में देखने को मिला है, विल्ट रोग जो कि दलहनी फसलों को ज़्यादातर ये प्रभावित करता है, हमने बात किया हुआ था। और देश का पहला जो कि डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर जो बनेगा वो भागलपुर में ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट्स और इंक्लूड किया ताकि आपका पीछे का जो क्वेश्चन है वो भी रिविजन होता रहे। ठीक है, अगला पॉइंट्स, भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किस नगर निगम ने किया, ये प्रश्न रहेगा। भारत में पहला, तो हो सकता है देखिए जो बिहार में चीज़ें पहली हो रही है वो भारत में पहली, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें वो पहला बिहार ने किया है, तो वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली डिजिटल करेंसी जो है वो जारी किया है पटना नगर निगम ने, तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इसी तरह के करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा जो कि महत्वपूर्ण कलेक्शन है। अगला प्रश्न ये है कि राजगीर में कितने करोड़ के लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। लागत आपको बताना है कितने करोड़ के लागत से, तो 740 करोड़ के लागत से। ठीक है, 740 करोड़ के लागत से। और राजगीर से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न आपको ये भी बताया था कि बिहार सरकार द्वारा हरित शहर का दर्जा भी राजगीर को दिया गया,
यानी राजगीर के साथ साथ पटना और बोधगया भी था, लेकिन राजगीर की बात आ रही है तो मैंने राजगीर के बारे में आपको बता दिया कि बिहार सरकार के द्वारा हरित शहर का दर्जा इसको मिला है। अगला पॉइंट है कि मार्च 2023 में यानी 24 मार्च 2023 में विरासत पद यात्रा का आयोजन बिहार के कितने ज़िलों में किया गया। विरासत पद यात्रा का आयोजन बिहार के कितने ज़िलों में किया गया, तो ये किया गया 9 जिलों में, बिहार के 9 जिलों में। देश का दूसरा जो कि डॉपलर रडार कहाँ बनेगा, पूर्णिया में। देश का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पर बन रहा है, पूर्णिया में, ये याद रखना है। और पूर्णिया से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न आपको पीछे कराया हुआ था, जैसे कि हाथीपाव ग्रसित जो मरीज हैं उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो पूर्णिया है वो पहला ज़िला बन चुका है। और इसी के साथ साथ एक प्रश्न मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है कि 22 मार्च को मनाया गया बिहार दिवस, यानी 22 मार्च 2023 को जो मनाया गया बिहार दिवस, इसका थीम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, बिहार दिवस 2023 का यानी इस वर्ष जो मनाया गया वो 111वां स्थापना दिवस था। और थीम की बात करें तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, एकदम VVI प्रश्न रहने वाला है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये जो कि इस वर्ष का थीम था। और एक चीज़ मैंने इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, जो आपका ये जो नाम आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये कहाँ से लिया गया, तो 7 निश्चय जो योजना है वहीं से लिया गया, राइट। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। राज्य का पहला जो स्मार्ट विलेज है वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, किस जिले के किस गाँव को विकसित किया जा रहा है स्मार्ट विलेज के रूप में। तो बांका ज़िले का जो बाबरचक गांव है, बांका ज़िले का बाबरचक गांव, इसको पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। और बांका ज़िले में मंडार पर्वत पर रोपवे हमने इसको याद किया था, ये याद भी रखना है आपको। अगला है कि कबीर कोहिनूर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया हाल ही में। कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे, तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा है। और हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि इनको दीनानाथ पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है, दीनानाथ पुरस्कार से भी नवाजा गया। अगला पॉइंट, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय या फिर बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, वैशालीगढ़ में। और वैशाली से रिलेटेड तो हमने हमेशा से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण वैशाली के इस्माइलपुर में किया जा रहा है, ये याद रखना है, किसी भी तरह से याद रखिए, बस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मार्च 2023 में राज्य स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया गया, इसका नाम क्या रखा गया था। राज्य स्तरीय यानी बिहार में राज्य स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया गया था मार्च 2023 में, इसका नाम रखा गया था तरंग, इसका नाम रखा गया, ठीक है। बिहार के किन दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को भारत सरकार ने वेस्ट हेरिटेज अवार्ड से नवाजा है, या फिर इसको प्रदान किया, वेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया। तो बिहार के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, वो राजगीर और नालंदा को, ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और जबकि हरित के बारे में हमने बात किया था, हरित शहर के रूप में बिहार सरकार ने किसको मान्यता दिया, पटना, राजगीर और बोधगया को। चलिए इसके बाद मीठी क्रांति, अभी जस्ट हमने कुछ दिन पहले ही बात किया था मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। तो मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्य के जिलों का चयन किया है, तो राज्य के 17 जिलों का चयन किया है ये मीठी क्रांति के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी प्रश्न आपको बताए गए उन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग रिविजन्स के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से किस महिला को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो और ना ही शेयर करते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप लोग शेयर भी किया करें, अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ निभाइए, हम तो अपना कर ही रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर अमृता जो है इनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बिहार के किस जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया, मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया किस जिले में। तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा मधुबनी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मधुबनी। और मधुबनी से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय जो स्वीप आइकन बनाया गया था मैथिली ठाकुर को, तो मैथिली ठाकुर का संबंध भी यहीं से होता है,
ठीक है, मधुबनी से, ठीक है। और मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मिथिला हाट का जो कि उद्घाटन किया था, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इस वर्ष जो दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार बिहार के 3 व्यक्तियों को, इसमें से जो दूसरी हम कह सकते हैं सुभद्रा देवी हैं, सुभद्रा देवी, उनका संबंध मधुबनी से ही होता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, इतने सारे पॉइंट्स कवर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि नीति आयोग के द्वारा देश में अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग जारी किया गया। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार के किस जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन जो कि गया को, ठीक है, गया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और गया से रिलेटेड हमने कल की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था, जैसे कि पहला आपका यहाँ पे चिल्ड्रन बैंक की स्थापना की जाएगी, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मोटे अनाज के लिए विशिष्ट केंद्र यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है, यानी बिहार के किस जिले में बनाया गया वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार ने तारीफ इसकी की है, तो ये आपका सही आंसर गया हो जाएगा, गया बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल है कि चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है, हाल ही में एक नई पुस्तक आई हुई है बिहार बढ़कर रहेगा, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल, 2022-23 एवं 24-25 के लिए बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया, जैविक खेती के लिए कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया हुआ है, तो राइट आंसर अगर आपने गेस किया है सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 104.9 करोड़ रुपए, 104.9 करोड़ रुपए। नेक्स्ट वन है, 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सड़क घनत्व में बिहार का स्थान कौन सा है, ऑलरेडी आपको कराया गया सड़क घनत्व में बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी हो गई है, बिहार में शहरीकरण की दर कितनी हो गई है, तो राइट आंसर क्या था, शहरीकरण की दर 16.2%। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीनोमिक प्रयोगशाला का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है, देखिए जीनोमिक प्रयोगशाला का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही आंसर है, और लखीसराय से तो आप जानते ही हैं, लखीसराय में जो हमने कजरा बात किया था कजरा सोलर पावर प्लांट, तो यहाँ पे लखीसराय के साथ उसको याद रखना है जो कि 250 मेगावाट का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 250 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते, तो अगला सवाल है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो अब देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर मैं तो नहीं बताऊंगा फिलहाल, आपको बताना है क्योंकि मैंने बिहार बजट अभी 2 से 3 दिन पहले ही कराया, जो लोग देखे हुए वो लोग कमेंट करेंगे, जो लोग नहीं देखें जाकर के बिहार बजट वाली वीडियो देखिए, और जो लोग इसका राइट आंसर बताते हैं उसका सही आंसर आप ये भी बताइएगा कितने रुपए, कुल बजट का कितना रुपए, ये भी आपको कमेंट कर देना है, साथ में नहीं याद है तो एक बार वीडियो को देख कर या फिर सर्च करके बता दीजिएगा ताकि डाटा याद रहे, राइट। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और इसके आगे के पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उसके साथ बने रहिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।